वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। नागरिकता कानून के बाद मोदी सरकार के एजेंडे पर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में संशोधन को मिली मंजूरी। 3 घंटे की बैठक के बाद मंजूरी दी गई। 8,500 करोड़ का बजट पास। नई जनगणना को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताई सरकार की योजना। कहा जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक होगी जनगणना। इस बार नई तकनीकी से की जाएगी जनगणना। जावड़ेकर ने कहा एनपीआर से जरूरतमंदों तक पहुंचेगी केंद्र की योजनाएं। ऐप के जरिए होगी जनगणना। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में हो ऐसे होगा लोगों का लेखा जोखा जो किसी इलाके में 6 महीने से रह रहे हो। हर नागरिक के लिए रजिस्टर में नाम दर्ज कराना अनिवार्य। कल से सरकार कर रही अटल योजना की शुरुआत। 6,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। अटल जी के नाम पर 2 परियोजनाएं शुरू करेगी सरकार। कल अटल जी की है जयंती। कोलकाता की जाधवपुर यूनिवर्सिटी में फिर राज्यपाल का विरोध। छात्रों ने दिखाए काले झंडे, काफिले को रोका। छात्रों के बीच फंसे राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा नहीं दिख रहा है कानून का राज, हालात चिंताजनक। रूल ऑफ लॉ इज कोलैप्सिंग, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इज डूइंग नथिंग एट ऑल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग नथिंग एट ऑल। एनआरसी और सीएए पर घमासान जारी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मेरठ में पीड़ित परिवार से मिलने से रोका गया। पुलिस ने दिया धारा 144 लागू होने का हवाला। कहा शांति भंग हुई तो किसकी होगी जिम्मेदारी। प्रियंका राहुल ने 3 लोगों को जाने की मांगी थी इजाजत, नहीं मानी पुलिस ने बात। मेरठ की सीमा से वापस लौटे राहुल और प्रियंका। मेरठ में हिंसा में पीड़ित परिवार से फोन पर राहुल और प्रियंका ने की बातचीत, जाना परिवार का हाल। कोलकाता में सीएए और एनआरसी के खिलाफ ममता का लगातार 4th दिन मार्च। बोली जब तक जिंदा हूं नहीं लागू होने दूंगी एनआरसी। नागरिकता संशोधन कानून पर दिल्ली में फिर प्रदर्शन। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने निकाला मार्च। मंडी हाउस इलाके में धारा 144 लागू। मार्च को देखते हुए अलर्ट पर प्रशासन, संसद मार्ग किया गया बंद। जंतर मंतर में भी पहुंचे प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जामिया में इकट्ठी हुई प्रदर्शनकारी, मंडी हाउस जाने से पुलिस ने रोका। कोटा में मुस्लिम समाज का सीए के खिलाफ प्रदर्शन, निकाला गया जुलूस। बैंगलोर में सीए के खिलाफ हुई हिंसा के सामने आए हैं सीसीटीवी फुटेज। तस्वीरों में पथराव करते दिखे प्रदर्शनकारी। घरों और पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने किया था पथराव। कई सड़कों पर आगजनी की तस्वीरें आई हैं सामने। अलीगढ़ में भी 15 दिसंबर को प्रदर्शन का सीसीटीवी वीडियो आया है सामने। दरवाजे पर हंगामा करते नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। बिजनौर पुलिस ने फरार उपद्रवियों पर 25,000 का इनाम घोषित किया। धरपकड़ जारी। दिल्ली के दरियागंज में सीए के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने वालों की जमानत याचिका पर पुलिस को नोटिस। 28 दिसंबर को सुनवाई। दिल्ली में सीए के प्रदर्शन के दौरान सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से रिकवरी की मांग। दिल्ली हाई कोर्ट में बीजेपी लीगल सेल के सदस्य अश्विनी उपाध्याय ने दी है अर्जी। लखनऊ जिला प्रशासन ने 82 लोगों को भेजा नोटिस। हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस। फोटो और वीडियो में पहचान के बाद नुकसान के जिम्मेदार माने गए लोगों की हुई पहचान। जवाब के लिए दिया गया है 1 महीने का वक्त। जवाब ना देने पर संपत्ति हो सकती है कुर्क। सीए के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन के विरोध में आई कंगना रनौत। प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों पर साधा निशाना। गुजरात में सीए के समर्थन में बीजेपी का मार्च। सूरत में सड़कों पर उमड़ा लोगों का हुजूम। 27 दिसंबर को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं हेमंत सोरेन। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक दल की बैठक। सोरेन सरकार में कांग्रेस को मिल सकता है 5 मंत्री पद और स्पीकर की गद्दी। आरजेडी से 1 और जेएमएम से 6 मंत्री होंगे। जीत के बाद हेमंत सोरेन ने कहा झारखंड में शुरू होगा नया अध्याय। गठबंधन के लिए सोनिया और लालू यादव को धन्यवाद। झारखंड नतीजों के बाद प्रधानमंत्री ने हेमंत सोरेन को दी बधाई। कहा सूबे के विकास के लिए करते रहेंगे काम। झारखंड नतीजों के बाद शिवसेना ने सामना में लिखा कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, अब बीजेपी मुक्त हो रहे हैं राज्य। मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर। मातोश्री में मुलाकात। राजीव बब्बर की सीएम केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि केस में सुनवाई टली। समन के खिलाफ अगली सुनवाई 17 जनवरी को। मानहानि केस में कोर्ट ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट। दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन ने दर्ज कराया था केस।
अंबेडकर नगर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जुगीवासियों को बांटे सर्टिफिकेट, कहा 5,000 लोगों को दिए घर। मेनका गांधी को सीबीआई से मिली क्लीन चिट को दी गई चुनौती, मामले की सुनवाई टली, 9 जनवरी को अगली सुनवाई। दिल्ली में आर्मी मेजर ने डेवलप की बुलेट प्रूफ स्नाइपर जैकेट, ऐसी जैकेट बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बना भारत। गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा पर बड़ी बैठक, अजीत डोभाल समेत आला अधिकारी हुए शामिल। बैठक में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, जम्मू पुलिस डीजी दिलबाग सिंह रहे मौजूद, कश्मीर के हालात पर चर्चा। गुजरात पुलिस का बड़ा फैसला, राज्य के सभी सीमा पर बनी चेक पोस्ट को हटाए जाने के बाद अब सीमा चौकों को भी हटाया जाएगा। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री ने नितिन गडकरी को लिखी चिट्ठी, अधिकारियों को लाल बत्ती देने की मांग की। निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन को दिया जवाब, जवाब में कहा बचाव के विकल्पों की कानूनी कोशिश कर रहे हैं। दोषियों ने कहा उनके पास अभी भी संविधान द्वारा दिए गए कानूनी उपाय, क्यूरेटिव याचिका करेंगे दाखिल। जबरदस्त ठंड से चिटुई दिल्ली, आज सुबह 5.7 दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी, पहाड़ों पर जमी हुई है बर्फ। औली में बर्फबारी का पर्यटकों ने उठाया आनंद, स्कीइंग करते हुए दिखाई दिए लोग। उत्तरकाशी में भी जबरदस्त बर्फबारी के साथ बढ़ी पर्यटकों की भीड़। रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी के बीच जिंदगी भी मुश्किल, सफर में परेशानी, बर्फ हटाकर रास्ता बनाते दिखे लोग। कुल्लू में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, लगा लंबा जाम। घाटी में गिरा पारा, श्रीनगर में जम गई है डल झील। उत्तराखंड के टेहरी में भारी बर्फबारी से पूरी तरह से बर्फ में ढक चुके हैं मकान, नलों में पानी तक जम गया। चमोली में भारी बर्फबारी के चलते स्कूलों की छुट्टी, खुशी में नाचते दिखे बच्चों का वीडियो हुआ है वायरल। पहाड़ों पर गिरी बर्फ का चंडीगढ़ पर दिखा असर, तापमान गिरा। मुंबई के वडाला में सोशल मीडिया पर उद्धव के खिलाफ टिप्पणी करने वाले शख्स की पिटाई, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किया मुंडन। यूपी के पीलीभीत में कोर्ट ने बीजेपी विधायक किशनलाल राजपूत और उनके भांजे सहित 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश, पीड़ित ने लगाई थी गुहार। बाइक की खरीद बिक्री को लेकर था डीएम के गिनर रहे मोहित गुर्जर के साथ हुई थी मारपीट, विधायक पर उल्टा केस दर्ज कराकर भेजा था जेल। चित्रकूट में मिड डे मील की शिकायत करने पर प्रिंसिपल भड़के, अभिभावक की जूते से पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस ने प्रिंसिपल से पीड़ित के खिलाफ शिकायत लेकर कराया समझौता। नाराज के जलगांव में एक ट्रक और टैक्सी के बीच टक्कर, 9 लोगों की मौत, 11 घायल। बरेली में टेम्पो और वैन की टक्कर, 3 लोगों की मौत, 5 घायल। राजस्थान के दौसा में मोबाइल की दुकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने एक व्यक्ति को मारी टक्कर, पलट गई कार, शख्स गंभीर रूप से जख्मी। नोएडा में चलती कार में आग, कार चालक ने गाड़ी से कूद कर बचाई अपनी जान। यूपी के जालौन में नाबालिग से रेप के दोषी को 25 साल की सजा, 1 महीने में पॉस्को एक्ट की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी। बिहार के गया में शराब माफियाओं के ऑर्केस्ट्रा में बच्चे की हत्या, परिवार के मुताबिक पानी लाने से इनकार करने पर चलाई गोली। घटना के 54 दिन के बाद सामने आया वीडियो, अब तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं, परिवार को केस वापस लेने की धमकी। यूपी के बलरामपुर में नेपाली महिला तस्कर गिरफ्तार, 2 किलो चरस जब्त। वाराणसी में बीएचयू कैंपस के अंदर महिला प्रोफेसर के साथ छेड़छाड़, लंका थाने में केस दर्ज। हरियाणा के चरखी दादरी में चलती कार में आग, ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान। वाराणसी में नाबालिग रेप पीड़ित ने मां बाप के साथ खाया जहर, 3 की हालत नाजुक। सुसाइड नोट में लिखा, 2 महीने से इंसाफ के लिए भटक रहा परिवार, सीओ इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी पर लगाया बयान बदलवाने का। सीए के विरोध में हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस कर रही है दंगाइयों की तलाश, शहर में लगाए जा रहे हैं पोस्टर। झांसी में लेन देन के विवाद में सराफा कारोबारी के बेटे को मारी गोली, 1 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। चूरू में शीतलहरी का सितम, रेल यातायात प्रभावित, खेतों में फसलों पर जमी हुई है बर्फ। राजस्थान में कड़ाके की ठंड, फतेहपुर शेखावटी में 0 पहुंचा न्यूनतम तापमान। असम में भी कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाओं से बदला मौसम का मिजाज। केदारनाथ में बिछी 7 फीट मोटी बर्फ की चादर, 10 दिनों से जिला मुख्यालय से नहीं है कोई संपर्क। लद्दाख में हड्डियां जमाने वाली ठंड, 0 से 19 डिग्री नीचे पहुंचा लेह का तापमान। संकट में फंसे अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रा को मिली बड़ी राहत, जीता 1250 करोड़ रुपए का केस।
अगले साल जनवरी से महंगा हो सकता है भूटान घूमना, क्षेत्रीय पर्यटकों पर भी लग सकता है $250 का मिनिमम डेली पैकेज। अगले एक साल के भीतर ओप्पो भारत में बनाएगी 10 करोड़ स्मार्टफोन, वर्ल्ड क्लास तकनीकी से लैस प्रोडक्ट लाने की तैयारी। एयर इंडिया को रोड शो में नहीं मिला विदेश खरीदार, एविएशन में 49% FDI सीमा से बढ़ी मुश्किल। ITR प्रोसेसिंग में तकनीकी गड़बड़ी से हजारों टैक्स पेयर्स को मिला नोटिस, LTCG के मामले में कार्रवाई। एवरी प्रांत में CRI फौज को बड़ी कामयाबी, भारी बमबारी और सैन्य कार्रवाई के बाद विद्रोहियों का सफाया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया को जोड़ने वाले नए पुल पर किया सफर, ट्रेन के इंजन में हुए सवार। इक्वाडोर में अजीबोगरीब हादसा, डीजल लूट करते वक्त जहाज पर गिरी ट्रेन, जान बचाने के लिए लोगों ने समंदर में लगा दी छलांग। अमेरिका के शिकागो में एक पार्टी के दौरान फायरिंग, दो लोगों ने चलाई गोलियां, 12 लोग घायल। इटली में खराब मौसम की वजह से समंदर तट से टकराया कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर, 12 लोगों को बचाने के लिए घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन। इटली का वेनिस शहर एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में, पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान। उत्तरी स्पेन के समुद्री तट से टकराया शक्तिशाली तूफान, ऊंची लहरों की वजह से भगदड़। ब्रिटिश राज परिवार में शुरू हुआ क्रिसमस का जश्न, बंकिमबंग पैलेस में केक बनाती दिखी महारानी एलिजाबेथ। जर्मनी में पूरे शबाब पर पहुंचा क्रिसमस का जश्न, बर्लिन में यहूदियों के फेस्टिवल ऑफ लाइट्स हुनक्का की शुरुआत। इसराइल में भी दिखी क्रिसमस की रौनक, तेल अबीब में पैडल बोर्डिंग करता हुआ नजर आया सेंटा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।